एक बार जोरदार तालियां हो जाए नोटबुक की स्टार ताज डेब्यूटेंट वेरी टैलेंटेड जहीर इकबाल और वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड परनुतन के लिए। जहीर परनुतन आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम वेलकम। नोटबुक जो फिल्म आ रही है ये परनुतन और जहीर इकबाल की पहली फिल्म है और इसको सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा शो भी सलमान भाई प्रोड्यूस करते हैं, तो घर के शोरूम में घर की मिठाइयां तो बनती हैं। हर नए एक्टर की एक्ट्रेस की ये ख्वाहिश होती है कि उनको सलमान खान अगर लॉन्च करें और सलमान खान लॉन्च कर दें तो उसके बाद उनकी दूसरी ख्वाहिश होती है ये द कपिल शर्मा शो पे आए। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जी। 5.5 साल पहले भाई ने बोला कि हम आपको लॉन्च कर रहे हैं, तो जिनको भी पता चला वो आए, अच्छा आप हीरो बन रहे हो? मैं बोला जी हाँ मैं हीरो बन रहा हूँ। इसका मतलब कपिल शर्मा के शो पर आएंगे? अरे मैं 5 साल से यह सुन रहा हूँ, तो फाइनली आई एम हियर, आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू ब्रदर। जहीर ने तो अपनी स्टोरी बता दी, पर उधर आपको कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख के? आपको डर नहीं लगता क्योंकि यू आर मैरिड ना? नाउ यू आर वेरी ब्रेव। नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपको शो में आके कैसा लगा। अच्छा प्रनूतन का जो नाम है ना हमारी बॉलीवुड की बहुत ही महान और उम्दा कलाकार नूतन जी के नाम पे है और ये उनकी पोती भी है, मनीष बैल साहब की ये बेटी है। मैं जहीर से मैं पूछता हूँ, प्रनूतन तो फिल्मी फैमिली से हैं ही जी, तो आपके दिमाग में कब आया ये कि मुझे भी एक्टर बनना है? मतलब एक्टिंग के टीके वगैरह लगवाए आपने क्या? नहीं, आपको मुझे मैं वो कहते ना राइट प्लेस एट राइट टाइम जी, वो मेरे साथ हो गया। मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था। अच्छा। और सलमान भाई मेरी बहन की शादी में आए थे। अच्छा। तो मैंने एक परफॉर्मेंस, मेरा बेस्ट फ्रेंड यही है माहिर, हम लोग ने एक वीडियो बनाया, डांस वांस किया, तो जैसे ही उतरा स्टेज से बोला मैं तुमको फिल्म में लॉन्च कर रहा हूँ, आ जाओ ट्रेनिंग शुरू कर लो। वाह क्या बात है। अच्छा एक बात और है, प्रनूतन के पापा सलमान भाई के फ्रेंड है, जहीर के पापा भी सलमान भाई के फ्रेंड है, तो आप दोनों सलमान भाई को क्या क्या बुलाते हो? बचपन में मैंने मेरे डैडी को खुद पूछा था। अच्छा। कि बोलूं क्या? अच्छा। क्योंकि बाहर तो सलमान खान ही चालू रहता है। राइट। तो मैंने एक बार मैं मिस्टेक अंकल बोल दिया। अच्छा। क्योंकि डैड के दोस्त है, तो मैं बच्चा था, मैं बोला सलमान अंकल, बोले क्या? तो मैं उसके बाद मैंने नाम ही लिया उनका। अच्छा। जी हाँ ना कैसे हो, मैं आई कॉन्टेक्ट ही रुकता था कि अब बोलने की जरूरत नहीं कुछ। सलमान भाई आई कॉन्टेक्ट बड़ा कम बनाते ना। वैसे बोले और कैसे हो? तो मैं आदमी को पता नहीं चलता। बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है ना किसी अवार्ड फंक्शन में सलमान में मिल जाए, तो मैं तब तक नहीं उनको हेलो बोलता हूँ जब तक मैं बिल्कुल साथ में खड़ा हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि किसको जवाब दे रहे हैं। जैसे आपको देख रहे हैं 500 लोग, आप कैसे हो? तो आदमी सोचता रहता है किनको बुलाया इन्होंने, पर ठीक है वो उनका कैरेक्टर, मजा आता है उनको देख के। उन्होंने इन दोनों को लॉन्च किया है और आपके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सुपरस्टार बनो और आप बहुत ही प्यारे हो। तो जैसे इनकी फिल्म का नाम है नोटबुक, तो उसमें जितना ट्रेलर देख के आपको पता चलता है कि प्रनूतन जो है वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं और उसके बाद जब ये चली जाती हैं उसके बाद ये आते हैं और फिर ये नोटबुक पढ़ते हैं और नोटबुक में इन्होंने जो बातें लिखी होती हैं उनको पढ़ के ही उनको इनसे प्यार हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि चाहे कितने भी मोबाइल फ़ोन आ जाएँ, स्मार्टफोन्स आ जाएँ, लेकिन जो नोटबुक में वो चीज़ें लिखने का मज़ा है आज, मतलब मैं बड़े सारे लोगों के जो यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऑडियंस में कितने सारे लोग हैं जो नोटबुक अभी भी यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या लिखते हैं? माइक ले लो सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप नोटबुक लिखते हैं? नहीं मैं नहीं लिखता हूँ, मेरी वाइफ लिखती है। अच्छा। परेशानी मेरे को होती है। आपको क्यों परेशानी होती है? क्यों ये बताता हूँ कि पहले जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले जब लिखती थी हाँ जी तो शायरिया सब लिखती थी। अच्छा जी। शादी के बाद हिसाब किताब लिखती है। तो मेरे को रात को 12 बजे उठा के भी हिसाब देना पड़ता है उसको। अच्छा। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। वो घर पे कम पैसे देते हैं सैलरी के और कहते हैं कि इस महीने इसे पैसे में ही घर चलाना पड़ता है। अच्छा। तो फिर मैं पूछती हूँ कि क्या कहाँ खर्चा किया? मजे की बात तो ये है कि मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा जी। मैं फंसता नहीं हूँ। मैं नहीं फंसता हूँ, फंसता मेरा बेटा है क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर रहा है। राइट। उसको भी डांटती है कि तू हिसाब दे, उसको आता नहीं है गफला कहाँ करना है। भाई साहब जितने मर्जी बढ़िया अकाउंटेंट हो आप, घर का हिसाब किताब इन्हीं को रहने दो आप। सही है, वो बात तो सही है आपकी। नहीं नहीं अच्छी बात है, शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू।
और कोई हमारे दोस्त नोटबुक के ऊपर अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी जी मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार कपिल जी। नमस्ते। नमस्कार मैम, कैसी आप? मेरे हस्बैंड है कर्नल शर्मा सर। तो कपिल जी, आप अपने शो के माध्यम से सबको एक लाकर और पूरी इंडिया को आपने एक कर रखा है। मेरे पति सेना में थे शुरू में, तो नोटबुक का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो मुझे पता है जी। तो शुरू में जब ये जाते थे तो हम जो भी हमारी फीलिंग्स थी, उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे राइट, तो हम जो मन में आता था, जो भाव है, थोड़ा फैमिली से भी छुप छुप के, और वो नोटबुक ही एक ऐसा मीडियम होता था जिसमें हम लिखते थे। और आज भी वो ख़जाना मेरे पास है और मैं आज उस खजाने से 5-6 पंक्तियां मैं आपके मंच के द्वारा सैनिकों को और उनको समर्पित करूंगी। जी प्लीज प्लीज। मैंने मंदिर और मस्जिद को झगड़ते नहीं देखा, श्लोक और आयतों को भी कभी लड़ते नहीं देखा। बीज अलगाव के जो मन के बगीचे में बो दिए, ऐसे रिश्तों को कभी मिलके पनपते नहीं देखा। तो आओ गीता के संग मिलके फिर कुरान पढ़ें, सारे मत भेद भूला प्रेम का जहान पढ़ें, धर्म और जाति की दीवार गिरा कर हम तुम एक चश्मे से सभी पूरा हिंदुस्तान पढ़े, एक चश्मे से सभी पूरा हिंदुस्तान पढ़े। तो मैं शहीदों को और सैनिकों को आप सबके माध्यम से नमन करती हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने कही हैं। अच्छा करण साहब, मैं आप तो काफी जगह पोस्टिंग रही होगी आपकी, उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे, लैंडलाइन भी किसी किसी का होता था, पड़ोसियों का नंबर देते थे लोग, बिल्कुल पड़ोसी भी ज्यादातर मैसेज देते नहीं थे, हाँ किसका फोन रुकता है, यहाँ भी आते साइड पर रख के बड़ा तो आप कैसे कॉन्टेक्ट कैसे करते थे मैडम से? सबसे एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है जी, मैं हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड था। अच्छा जी। नॉर्थ सिक्किम में। ओके। उस जगह का नाम है वुडकॉक रिज, 14,000 फीट की भी हाइट थी। वाह। तो वहाँ कुछ भी कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं। अच्छा जी। और एक टीवी था हमारे मेस में, और लकीली वहाँ पर कभी कभी दूरदर्शन पकड़ लेता था। अच्छा जी। और एक दिन 26 रिपब्लिक डे वाले दिन एक प्रोग्राम आ रहा था कवि सम्मेलन का। अच्छा जी। एंड लो एंड बिहोल्ड देयर शी वाज। अच्छा। सिंगिंग एंड द होल यूनिट जॉइन मी ऑल ऑफिसर्स। वाह। और तो खुशी से गोली चला दी होगी उधर। गोली गोली तो दिलों में लग गई अपने आप ही। अरे वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। तो एक बार जहीर और प्रणुतन के लिए जोरदार तालियां। प्रणुतन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जहीर। थैंक यू सर। आप दोनों हमें बहुत ज्यादा पसंद आए। थैंक यू। सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नोटबुक के लिए, और उसके बाद जितनी भी आपकी फिल्में आए आप लोग कमाल करते रहिए, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सब लोग? अर्चना जी कैसे हैं आप? स्वागत स्वागत। सब अच्छा चल रहा है? बिल्कुल। बस अब मैं आ गया हूँ और ज्यादा अच्छा चलेगा अभी। अरे कपिल मेरे भाई। अरे मेरे भाई कैसा है? अरे देख, शादी की तुझे बहुत बहुत बधाई हो। शादी की बधाई तो तूने दे दी थी घर पे आके। शादी की बधाई तो तूने घर पे आके दे दी थी। हाँ तो उसका फायदा नहीं हुआ ना अभी तक मेरे को। अच्छा। हाँ अच्छा, खैर शो अच्छा चल रहा है उसकी बधाई, ये मिठाई खा। बधाई यार, मिठाई। थैंक यू। बट शो की बधाई भी तो दे दी थी तूने फोन पे। हाँ तो समझो ना अब, एक आदमी बिना बात के तुझे 6-6 बार बधाई दे रहा है, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। तू यहाँ फायदे लेने आता है? अच्छा जी। तो जो कुर्सी पे बैठे हैं वो मर्द से यहाँ एसी की हवा लेने आई है? मेरे भाई देख, तूने मुझे शादी पे वादा किया था कि इस बार शो में रखेगा, दूसरे आर्टिस्ट रख लिए, एक मौका मुझे भी देना। एक मौका था वो ले लिया किसी ने।
तू निकल कर दे, चल जा हमें काम करने दे यार, जा जा। देख बंदा इतने दिनों बाद आया, बंदा पूछता है कि क्या लोगे, चाय ठंडा गरम भुजिया, कोई पक्का करेक्टर जो इधर से आए उधर से निकल जाए। अच्छा तो उधर से आया ना, इधर से निकल चल। नहीं यार ऐसा भी नहीं कि इधर से उसी वक्त निकल जाए, बीच में 10 मिनट का स्टॉपेज हो, सेलिब्रिटी आए उनसे कोई बात बात करें, कोई दिहाड़ी बने, कोई रोजी रोटी। अच्छा तो सीधा बोलना तेरे को टीवी पे आना, अर्चना जी के पीछे बैठ तेरे 4 शॉट लग जाएंगे। चार शॉट उनके खुद के 2 आते हैं, मेरे 4 कहां से आ जाएंगे? सारे इसी के आते हैं। और तू यहां काम मांगने आया कि आग लगाने आया हमारे बीच? नहीं 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 आग लगाने थी बिल्कुल नहीं। देखो मुझे तो इतना, मैं फ्री बैठा हुआ, मुझे 4 पैसे तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। मैं देख अर्चना जी हंसने वाली कौन सी बात है, अक्षय कुमार जी इतने बड़े शो में जाके खुद को आग लगा लेते हैं। अक्षय कुमार आग लगाते ना, 4 लोग खड़े रहते हैं बुझाने के लिए, तूने लगाई ना लोग तेल डाल के जाएंगे तेरे ऊपर। बकवास करता है। एक मिनट, तेल डालने से मुझे याद आया चंदू, वो हमारी दोस्ती में बड़ा तेल डाल रहा है पता है। अच्छा तो और क्या है, देख तूने उसे अपने शो में रखा और पहले एपिसोड में आके तुझे चिढ़ा रहा था, याद तेरी आएगी मुझको, ये देख सब खुश हो रहे हैं, मेरे को दिल से हर्ट हुआ था। उसको निकाल दे शो से यार, करता ही क्या वो शो में आके। ओए होए 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 ओए होए 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 ठाकुर तुम इधर किधर? नहीं मैं तो वैसे इधर से गुजर रहा था, मैं कहा अर्चना जी को हाय हेलो बोल। यार तुम्हें बोला स्कूल में बच्चे छोड़कर आने, तुम इधर आ गए। एक मिनट, संडे को कौन सा स्कूल खुला जहाँ से बच्चे लेके आने हैं? मैं चेक कर रहा था कि ये भी काम तुम कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, तुम्हारा तो समझ में नहीं आता। एक बोलते मुझे काम नहीं देते काम नहीं देते, जब तुम्हें काम देते तुम काम करते ही नहीं हो। यार कोई मेरे लेवल का काम दो। तो मतलब चलते शो में तुमसे मसाज करानी शुरू करा दे। यार वैसे अच्छा शर्मा ये बताओ, इसने आग अभी लगा दी है या अभी शुरू है काम? शुरू कर दिया। नहीं नहीं यार मैं, तू मेरा दोस्त है, मैं ऐसे काम करूँ? तुम्हारे जैसे दोस्तों की वजह से इधर चाय बेचनी पड़ रही है, वरना टैलेंट की कमी नहीं है मेरे में। तो तेरे से चाय नहीं बन रही ना, तालियां देखो। ठीक है तेरे से चाय नहीं बनती तो किसी और से बनवा लेते हैं हम। मैं बना के लाया हूँ, ये देख तू सिर्फ टेस्ट कर, ओके कर। मतलब आग लग चुकी है तो आते तुमने भड़काना शुरू कर दिया। एक मिनट, इतना भी फ्री नहीं हूँ कि मैं इधर आके भड़काता रहूं। मेरे बाहर 4-5 कॉमेडी शो चल रहे हैं यार। ओए होए 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 होए, हमारा एक चल रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है। इसके 4-5 कॉमेडी शो चल रहे हैं फिर भी टाइम निकाल कर आ जाता। सही पकड़ा, अरे कभी तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। क्या बचपन में हमारे क्या डायपर चेंज करते रहे तुम? क्या किया क्या है तुमने? डायपर। तुम लोगों को दुनिया मैंने दिखाई थी। दुनिया हमने दिखाई है, गरीब आदमी पहली बार बस में बैठा पासपोर्ट लेके चला गया। ये है मेरे दोस्त, लोगों की कुंडली में लिखा था राहु दोष केतु दोष, मेरे ठाकुर दोष लिखा हुआ है। कितना ढीठ है यार ये। अच्छा अब मैं ढीठ हो गया? कॉलेज में मेरे पीछे ढीठों की तरह घूमते थे कि बड़ा स्टाइलिस्ट है तू अर्चना जी। अपने ग्रुप में सबसे पहले परफ्यूम मैंने लिया था। हाँ तो जिससे ज्यादा स्मेल आती है परफ्यूम वही लेता है। तू क्या ज्यादा उस पर चढ़ रहा है? खुद तो पता क्या करता, अगरबत्ती का चूरा बना के इधर उधर लगाता, कहता खुशबू आती है। तो खुशबू नहीं आती? नहीं नहीं आती है, लेकिन उससे पहले ना अगरबत्ती को आग लगानी पड़ती। लगाऊं? यार तुम बंदे हो कि जेठानी हो किसी की, हर टाइम आग लगा लो आग लगा लो आग लगा लो। ओए खबरदार, अगर किसी ने जेठानी के नाम पे ताली बजाई तो आज हमारा देश तरक्की कर रहा है तो सिर्फ जेठानियों के दम पे। क्यों जेठालाल जी? वाह वाह, वैसे मान गए तुझे, उतने ड्रामे ना सीरियल में ननद नहीं करती जितने ये इधर काम लेने के लिए कर रहा है। देखो जिठानी ननद खड़े खड़े 4 कैरेक्टर कर दिए, पिछले 4 साल से एक ही कैरेक्टर कर रहा है, डर फटा मत तेरा। 4 कैरेक्टर कर लिए, चलो बाहर चलो 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 बाहर। उसने वापस आ जाना है। आ गया मेरी बात आने वाला। चलना तो तू भी साथ चल। हाँ
मैं तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ बाहर? कोई चलवल नहीं रहा, बचपन से मैं आज तक इसको जानता हूँ, मुझे बाहर निकालेगा ये। वो दिन भूल गया जिस दिन तेरे पास साइकिल था और मेरे पास फोर व्हीलर। हाँ, फोर व्हीलर पता कैसा, ओपन एयर फोर व्हीलर, ऐसे ऐसे करके चलता। इसके हाथ देख लो यहाँ से, पूरे सख्त है इसके हाथ, ऐसे ऐसे करके चलाए। अरे वो तो मैं नाटक की रिहर्सल कर रहा था। सड़क पे कौन सा नाटक होता है? नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक नहीं, भुक्कड़ नाटक। भिखारी भीख मांग रहा था ऐसे ऐसे करके। अच्छा पता तो देते क्यों नहीं थे? क्या कर रहा है? सुबह से लेकर शाम तक जो पैसे इकट्ठे करता, शाम को आके कुलचे खा के चले जाते थे। तेरी कमाई कम थी, हमने तो पिज्जा खाना था। मुंह देखो इनके पिज्जे वाले। शादी पे भी जाना होता था ना तो मेरा कोट पैंट उधार मांग के ले जाते थे, और ये मेरी पैंट में दाल गिरा के लाता था हमेशा, और ये उसी दाल के साथ दो चपातियां खा लेता था। आई डोंट लाइक यू बोथ। इन दोनों के रिश्तेदार पता नहीं कैसे इनकी शादी में चले जाना, अजीब से रिश्तेदार हैं। आप किसी को बोलते ना हेलो, आगे से वो पट्टी निकाल लेते, पेपर निकाल लेते, मारे गांव में ना आपदा आ गई, जो आपको ठीक लगे दे दो। मैं लाइक नहीं करता इनको, आई डोंट लाइक बोथ। अच्छा वैसे अर्चना जी, हमारे रिश्तेदार चलो ओरिजिनल तो थे, मैं तो इनकी शादी में जब गया तो इनकी बुआ जी को पैरी पहना की, मैं कहा बुआ जी पैरी पहना कहता बेटे, मैं इसका फूफा हूँ। सारे रिश्तेदारों को साड़ियां पहनाई इसने, वो चिट लगा कर घूम रहे, चाचा चाची मामा मामी। मैं तेरे को कितनी बार कहा एक्सपायरी डेट वाली ब्रेड ना खाया कर, फिर तू ऐसी अजीब सी बातें करता है। देखो मेरी बात सुनो, एक्सपायरी एक्सपायरी वो कुछ नहीं होता, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो जो थोड़ी कुरकुरी हो जाती है, मैं 15 दिन पहले मंगवा लेता हूँ ब्रेड, तो उस पे वो कड़छना जी ग्रीन ग्रीन आ जाता है, लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, आई लाइक ग्रीन ब्रेड। तो ग्रीन ब्रेड वगैरह खाई है मैंने, तो इसीलिए मैं तो अपना अपने कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मेरे को मिला है। और जिन्होंने दिया ना अवार्ड, उनकी हाथ काट दिए प्रिंसिपल। हाँ, और बिना हाथों के ऐसे ऐसे कर रही थी। जब मैंने उसकी बात का गुस्सा मान लिया है तो ऐसे ऐसे करना जरूरी 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 था। इम्प्रोवाइजेशन, खबरदार इम्प्रोवाइजेशन किया तो। ऐसे ऐसे करके इसने माथा चौड़ा कर लिया अपना। क्या जरूरत, डेढ़ आदमी का माथा होता है इतना। ये देखो गौर से, इधर यार तू कोई एडवर्ट लिखवा लो, तुम कोई एलईडी लगवा ले कोई इधर। हो गई बातें, ऐसी बकवास बातें करता है। अगर यही चार जमाते पढ़ लेता ना ढंग से तो ऐसी बातें नहीं करता। पता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं उनमें, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। यस बहुत, यस ट्रक के पीछे लिखा था ना, जगह मिलने में पास दिया जाएगा। ये मोटरसाइकिल तेज कर गया, ट्रक वाले को रोक के था, ये तो बता दो कौन से शो का पास दिया जाए। ट्रक वाले ने इसकी हेलमेट उतार के इसके मुंह पे थूका। और ये इतना जलील आदमी है अर्चना जी, उसको बोल रहा था, कहता भाई साहब चूना आप कम लगाते हो। ज्यादा मत बोल, तू मेरे पता ना मेरा, तेरे को मैंने भी इधर चूड़ियां नहीं पहनी। मैं कहता कपू शर्मा बोले, मैंने चूड़ियां क्या, मैंने साड़ी लिपस्टिक सब पहन लेना। फोकस देख लो इसका, लड़ाई में भी फायदे ढूंढ रहा है। हाँ। क्या फायदे, मतलब तेरी शादी के कार्ड बांटे इसमें मेरा क्या फायदा बताओ? और तू कार्ड बांट रहा था इसकी शादी। अगर तू शादी की घोड़ी नहला सकता है, मैं कार्ड नहीं बांट सकता। सुना चले नहीं, इसने कांड बांटे थे तभी आपको नहीं मिला। मेरे को नहीं मिला था, इसने मुझे फोन करके बोला। मैंने 2 महीने पहले दे दिया था इसको। अब कुछ काम तो मैं ठीक भी करता हूँ। अच्छा। कोई काम नहीं ठीक किया, नहीं कोई काम नहीं ठीक किया। इसके कार्ड के ना फोटो कॉपी करा के ना 500-500 के बेचे इसने, कहता बॉलीवुड नाइट है, बॉलीवुड नाइट है, ले लो। कपू यार कुछ ऐसा कर के मेरी भी ईगो हर्ट हो। तू गया नहीं अभी तक? बोलता मेरे को काम चाहिए काम चाहिए, एक काम दिया शादी में इसने, वो तो ढंग से किया नहीं, पागल की तरह नाच रहा था उधर। अरे यार की शादी थी, खुल के डांस किया यार। इतना खुल के डांस किया ना, बधाई मांगने में लाया, कहते परा पहले तू नाच ले यार। एक हफ्ते बाद ही मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि वो जो डीजे बंद होने के बाद भी पागल सा आदमी नाच रहा था, वो है कि चला गया? वो जाए तो हम आए, इतना पागल है ये यार। इतना नाचा मैं इसकी शादी में, और एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, जो लास्ट फंक्शन था शादी का, उसमें जब नाच रहा था तो लड़की वालों ने आके मुझे मारा, तूने रोका क्यों नहीं? बिदाई के वक्त कौन नाचता है पागल? अबे तो विदाई के वक्त नागिन की ट्यून भी कौन लगाता है?
वो हमारी दुल्हन कहीं छुपी हुई थी, बाहर नहीं आ रही थी, हमने नागिन ट्यून बजाई, वो बाहर आ गई। तू बड़ी कमियां निकाल रहा है बे, खुद की शादी करो, तूने कार्ड भी नहीं दिया हमें। नहीं नहीं देखो उस वक्त ये फेमस नहीं था, अगर मुझे पता होता कि हमारे कपिल शर्मा ने द कपिल शर्मा बन जाना है, मैं शादी का कार्ड मैं तुझे हनीमून साथ लेके जाता। हनीमून तो जैसे इसने अटलांटा में जाकर मनाया है, पहला आदमी है जिसने अपनी नानी के घर में जाकर हनीमून मनाया है। अरे यार वो भी नानी सारी रात खांसती रही, दवाइयां देने में लग रहा, अंदर से बीवी कहती कुछ है प्रोग्राम के, मैं निकलूं फिर। सब गलत है, मैं नानी के घर इसलिए गया था, देखो शादी में मेरे मामा नहीं आया, मामा नाराज था। अच्छा क्यों? तो मैंने कहा हनीमून मना लेते, मामा मना लेंगे साथ में। मामा मनाने के चक्कर में जो बीवी रुठ गई उसका क्या? अच्छा ये देख लो अर्चना जी कैसा बंदा है, उधर कभी मामा को मना रहा है, कभी हनीमून मना रहा है, इधर शो के लिए कपिल को मना रहा है। ऐसे दोस्तों की वजह से ना लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, पता है? तुझे तो पक्की करनी चाहिए थी, चार चार रिसेप्शन की हैं। एक रिसेप्शन कम कर लेता ना मेरे कर्जे उतर जाते। तेरे को क्या लगता है एक रिसेप्शन 1500 में होती है? देख 1500 कर्जा है अपने शो में रख ले, वो भी उतरे, मुझे इससे भी कोई शिकवा नहीं है, ये भी अपना दोस्ती है, भाई है अपना। अच्छा एक बात बता, कृष्णा क्यों रखा था तुमने? करता भी क्या डांस करने के अलावा यहाँ पे? द कपिल शर्मा शो में 10 मिनट का सुपर डांसर करके जाता वो। हाँ भाई एक मिनट, मेरा नाम लिया किसी ने, क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं नाचूंगा, क्या प्रॉब्लम है? नाचेगा, बजाओ ये देख लो, पसंद आया? अर्चना जी हाँ। मैं किसी के बाप का नहीं नाचता। हाँ जी सही बात है, ये अपने मामा का नाचता है। यार नहीं नहीं वो इसलिए कह रहे थे कि स्टेप्स वगैरह देखे लगते हैं, इसलिए बोलते हैं। देखे लगते हैं। अरे ठाकुर चश्मे उतार लग रहा है। कैसा है यार ठाकुर? बहुत अच्छा, बड़े दिनों के बाद कहाँ गायब था यार? गायब क्या मतलब यार, वैसे ही पंजाबी फिल्म में कर रहा था, 4-5 फिल्मों की बात भी चल रही है। अच्छा हाँ हाँ। तो फिर इसको शो में नहीं ले पाएंगे, इज वेरी बिजी कपिल। नहीं नहीं इज वेरी बिजी। नहीं नहीं देख मेरी पंजाबी फिल्में ठीक वैसी है जैसी तेरी हिंदी फिल्में। अच्छा जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। कृष्णा मुझे एक बात बताओ यार, मैंने सुना कि तुम बात बात पे हाथ उठा लेते हो, ये सिर्फ बातें हैं? कृष्णा भाई को भड़काने की कोशिश मत कर। नहीं नहीं मैं तो इनको ये भी बता रहा हूँ कि तुमने ये भी बोला था कि अगर इसमें से डांस निकाल लो, इसमें और वो बैंड वाले पांडे में कोई फर्क नहीं है। ओए, मैंने नहीं बोला। मैं कब बोला मैंने? कब बोला? क्यों बोल रहा है ऐसे? इम्प्रोवाइजेशन भी कोई चीज होती है। इम्प्रोवाइज ज्यादा मत करना तुम लोग यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कपिल ये सब ठीक नहीं चल रहा है यार। ये चंदन पंजाब से, भारती पंजाब से, अर्चना जी पंजाब से, ये बैंड वाला भी पंजाब से, अब ठाकुर भी पंजाब से, ये पंजाब का अलग ही नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे। गलत बात है कपिल। अर्चना जी बोल कौन रहा है? गोविंदा का भांजा। नेपोटिज्म की बात। हाँ तो मैंने उनको कौन सा मामा बना लिया, मेरे पैदा होने से पहले भी वो गोविंदा ही थे। हाँ है कि नहीं? ये देख लो, 4 पैसों के लिए रिश्ते बदल लेते हैं। खबरदार बकवास नहीं करना है। क्या कपिल क्या बकवास कर रहा है 4 पैसों के लिए? मैं तो 1 पैसे के लिए भी बन जाता। मैं तो डर गया था। मैंने कहा भी इसके अंदर भी जमीर जा गया तो हमारे जैसे लोग कहां जाएंगे। यार ये आती है बकवास कर रहा है कपिल मुझे। अच्छा कपिल से ही पूछ लो, कपिल सच बताना, जब से हम लोग जुड़े हैं सही नहीं चल रहा सर? सही चल रहा? मैं इसका गुड लक हूँ, इसलिए इसने मेरे को साथ में रखा है। गुड लक नहीं, नजर बट्टू के दौर पे रखा हुआ है तेरे को। क्या है ना अर्चना जी, नींबू मिर्ची से सस्ता पड़ता है ये हमको, तो क्या करें बस रख लिया है। और मैं एक बात बताऊं, ये नजर बट्टू इससे भी सस्ता मैं पड़ता हूँ, ये जूते वैसे ही है, नीचे मैंने घोड़े की नाल लगवा रखी है। ये नाल नाल के चक्कर में मैंने बड़े नल्ले इकट्ठे कर लिए। देखो मैं आया हूँ पक्के पैर, इस बार ये देखो चिट्ठी लेके आया हूँ सोनी साहब की। सोनी साहब की
राम प्रकाश सोनी से कोई लेकर आ गया चिट्ठी तो असली मैसेज मुझे आया सोनी साहब का, ये देखो मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। प्रिय कपिल शर्मा स्लैश चंदू, इधर दिखा स्लैश नहीं लिखा बे, स्लैप टू चंदू यार लिखते हैं, ये ठाकुर हमारे ऑफिस 100 बार से ज्यादा आ चुका है, इसको समझाओ कि हम भगवान नहीं है, इसने सोनी के 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, ऊपर से हमारी चलती मीटिंग में आया और हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर जल चढ़ा के नारियल फोड़ गया, इसे समझा लो नहीं तो हम सेट मैक्स में जो फिल्म आती है सूर्यवंशम उसमें से ठाकुर साहब की जहरीली खीर निकाल के इसको खिला के मार देंगे। शर्म नहीं आती मुझे, क्या लगा के रखा है तू, टीवी का कवर क्यों पहन के आ गई? ठाकुर तुम कप्पू मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हाँ। अगर तुमने शो में ऐसा वैसा लड़का रखा ना तो तुम एक तो कोई ढंग का लड़का रखो। ए क्या बकवास करी, इधर तो देख पर्सनैलिटी, क्या कमी है, क्या कमी है मुझ में? अरे जो सोचो वो कमी है तुम में। 3 महीने में पहली बार तुम्हें पैंट में देखा है। हैं? तू उसको बिना पैंट के देखती है? बकवास नहीं करना। हाँ। ये जो चपड़ चपड़ ये डोनाल्ड डक की तरह तेरे जो होंठ चल जाए। सिलाई मशीन में डाल के ऐसे सी दूंगा मैं। बात कर रही है। कृष्णा, तू पागल है? ऐसे बोलते? सिलाई मशीन सिल देंगे। इसको रजाई वाला बड़ा सुहा लगेगा इसको। देखो कप्पू, जवाब देने को तो मैं भी दे दूं, लेकिन क्या है ना, मैं खानदानी लड़की हूँ, इसलिए तुम लोगों के मुंह नहीं लगूंगी। खानदान तो देख लो इनका, इनकी बहन तो आपने देखी होगी तितली, बच्चा यादव की बीवी, 4 भैंसे उसके पास देखी नहीं, सांड के साथ शादी कर ली। देखो कप्पू, मेरा सच्चा प्यार तो तुम्हें दिखता है नहीं, लेकिन वो मेरी दीदी का सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार है, सबका प्यार तो मैं दिखता है, लेकिन मेरा सच्चा प्यार नहीं तुम्हें दिखता भूरी। तेरा यहाँ किसी को कुछ नहीं दिखता, ना किसी को टैलेंट दिखता है, ना किसी को प्यार दिखता है। मैं कहता ये भी शो में क्यों दिखता, चल बाहर चल बाहर। शर्म कर शर्म, साथ घर तो डायन भी छोड़ जाती है। तेरा कौन सा घर, तू तो इधर ही रहता फुटपाथ पे। मैंने कहावत बोली है, कहावत। अरे कहावत बोलनी तो अपने लेवल के हिसाब से बोलो ना। आप बोला करो गरीबी में आटा गीला, नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या, ये सब बोला करो। मजबूरी का नाम चंदू। हाँ देखा, ये बात ही मेरा ठाकुर, अपनी तो ट्यूनिंग भी सेट है, अब रख लेना शो में। ठाकुर एक बात बता, जो तू पहले एक बार लंबा कच्चा पहनता था घुटनों तक जो, हाँ। उसके ऊपर जींस पहनते थे, हाँ। कितना मुश्किल होता है ना एडजस्ट करना। हाँ, बहुत मुश्किल। उससे ज्यादा मुश्किल है तेरे को एडजस्ट करना। अरे ठाकुर मेरी बात सुनो, देखो इधर उधर की बातों से नहीं, मेहनत से इस शो में जगह मिलती है। क्या करना पड़ता है, तू क्या बोल रही है? मेहनत से शो में जगह मिलती है। जब पता है तो करती क्यों नहीं? नहीं एक्सक्यूज मी, लाइक मैं हूँ शो में तो ग्लैमर है। अगर तुझ में ग्लैमर होता ना, लड़के साड़ियां पहन के ना घूमते इधर। बट अर्चना जी, अब जिसको कागज के फूलों की आदत हो गई हो, वो असली गुलाब की खुशबू का क्या पता। भाई साहब फोन देना मेरा। क्या हो? एक हेलो, हाँ कश्मीरा, जरा आना ना शूटिंग पे, जरा तुम्हारी जरूरत थी यहाँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कोई फूल था उसकी खुशबू निकालनी थी थोड़ी सी। हाँ हाँ, पंखुड़ियाँ फाड़नी थी उसकी। अच्छा नहीं लगता ना कोई लड़का लड़की को मारे, प्लीज कम प्लीज कम। देखो मेरी बात सुनो, जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है ना वो ठाकुर है, तो मैं तो कहता हूँ इसकी कंबल कुटाई करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आइए ठाकुर साहब। एक 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 मिनट, मेरी बात सुनो। देखो बाल जब नहीं है ना, प्लीज देखो चलते शो में ना, ये यार फूट डाल ले, फूट डाल ले, आइए
धन्यवाद, शुक्रिया। अर्चना जी, जब भी होली आती है तो हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में कवि सम्मेलन होते हैं, बड़ा मजा आता है सुन के। तो इस बार हमने सोचा कि अलग अलग जगह पे क्यों हो, क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहाँ पे कवि सम्मेलन और पूरा देश देखे। सो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है, इससे बढ़िया मंच और कौन सा हो सकता है। सो आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है हास्य कविता और शेर व शायरी की दुनिया में मशहूर हिंदुस्तान की जानी मानी तीन हस्तियों को। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा देश विदेश में मशहूर हास्य कवि श्री अरुण जैमिनी जी। तालियां बजती रहे। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आइए। अर्चना संपूर्ण सिंह जी को नमस्ते। आपको भी नमस्कार। दरअसल क्या, पूर्ण शब्द इनके लिए अधूरा रहता है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। और कपिल जी बधाई हो आपको विवाह की। दिल से बधाई दे रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हास्य कभी पता नहीं चलता कि बधाई दे रहे हैं कि। कारण ये है कि आपको शुभकामना इसलिए कि मुझे मेरी शादी में जी सिर्फ 10 ग्राम की गिन्नी मिली थी। तो अरुण जी को आप सब जानते ही हैं जी, और जी। मैं ये भी बता दूं कि हरियाणा से हैं और मैंने देखा कि हरियाणवी लोग बड़े प्यारे होते हैं, बड़ा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन भड़क भी जल्दी जाते हैं। पर अरुण जी को जब भी देखो इनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। हाँ, अरुण जी इसके पीछे क्या राज है? दरअसल क्या है, गुस्सा पंजाब और हरियाणा एक जैसा ही है जी। शादी से पहले आपको भी आता था। एक ही लाइन में आपने बात खत्म कर दी। अच्छा अरुण जी, आप इतने हाजिर जवाब हैं, तो सर आप केबीसी में क्यों नहीं जाते? उधर तो हर जवाब होगा आपके पास। वहाँ वो सवाल ऐसे हैं कि उस पर हाजिर जवाब भी नहीं हो सकती। अच्छा। जी ज्ञान वाली बात है ना, ज्ञान से कोई मतलब नहीं जी। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान देता ना लेता, ना लेता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो उसे और क्या ज्ञान की जरूरत, वो बाकियों से ज्ञान लेके क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। करण जी से ये हंसी मजाक का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। अब वक्त है हास्य मंच की होप और हंसी की तोप को यहाँ पे आमंत्रित करने का। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा हंसी का चलता फिरता मॉल श्री प्रदीप चौबे जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चौबे साहब के लिए, आइए। बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रदीप जी की बहुत सारी कविताएं हमने सुनी है सर, मैंने हमेशा आपको YouTube पे आपके वीडियोस देखे हैं, तब आपकी मूछें भी हुआ करती थी बीच बीच में। अच्छा लोग इनको हमेशा वजनदार कवि बोलते हैं, प्रदीप जी ऐसा क्यों, आपको वजनदार कवि क्यों बोलते हैं? वजनदार कवि इसलिए बोलते हैं कि अब केवल वजन ही रह गया है। ऐसे क्यों सर? कविता में तो वजन खत्म हो गया। सर आपकी कविता में भी बड़ा वजन है और ये तो आपका बड़प्पन है ऐसा बोलते हैं। प्रदीप जी और अरुण जी दोनों ही हास्य कवि हैं, लेकिन सर अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ। कि जैसे कॉलेज स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं जब भी, तो लड़कियों को वो रोमांटिक कविताएं बड़ी पसंद आती हैं, तो आप कॉलेज में भी हास्य कवि थे कि रोमांटिक भी लिखते थे पहले? साहब क्या करें, रोमांटिक लिखने की तो इच्छा होती थी जी, मगर मुंह से हर लड़की के लिए बहन जी निकल जाता है। बस उसी चक्कर में मारे गए। अब जो वक्त है वो है कवियों की महफिल में शेर व शायरी का तड़का लगाने का। सो आज यहाँ पे आ रहे हैं एक ऐसी शायरा जिनके शेरों का पूरा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि जहां पे भी हिंदी सुनने समझने वाले उर्दू समझने वाले लोग हैं वो इनके बहुत दीवाने हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंजुम रहबर जी का। अंजुम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब मैं यहां आई कपिल शर्मा शो तो मैं सोचकर आई थी आज अर्चना जी बैठी हुई है उस कुर्सी पर, तो मैं चाहती हूँ कि उन 4 पंक्तियां सुना दूं। अरे वाह मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये किसी नाम का नहीं होता। वाह जी वाह,
ये किसी धाम का नहीं होता। वाह। प्यार में जब तलक नहीं टूटे दिल किसी काम का नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्लीज। अच्छा अंजुम जी, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आदमी का जब दिल टूटता है तो वो तब जाके शायर बनता है, तो ये तो होगी आदमियों की बात। जब महिला कोई शायर बनती है, कोई लड़की बनती है, उनका भी दिल टूटता है कि किसी का तोड़ने के बाद बनती है वो? वैसे तो मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है कि मर्द ही औरतों का दिल तोड़ता है, लड़का लड़की का दिल तोड़ता है। अच्छा जी। तो जिंदगी में इतना तजुर्बा हो गया तो मैं तो सोच रही हूँ कपिल शर्मा शो में हूँ तो आज मशवरा दे ही दूं। जी प्लीज। क्या? बहुत जरूरत है। सुन लीजिए भाई। जी जी। मैं खड़े होके पढ़ सकती हूँ? जी जी मैम, जैसा आपका दिल चाहे। नहीं, जरा सा ठीक रहता है। जी जी। कि बैठने के लिए तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं कुर्सियों पर सोते। अपनी आंखों को चार मत करना। वाह जी वाह। तुम सितारे शुमार गिनना मत करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना। वाह क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। वाह अंजुम जी, क्या गाती हैं आप? नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जी कि लड़कियों प्यार मत कर, मुझे तजुर्बा है बहुत। खुद तो तजुर्बा लिए बैठी है। और नहीं, सही बात है ये, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। तो सच बोलूं तो ये 25 साल पहले मुझे भी किसी ने मशवरा दिया था, लेकिन मैंने माना नहीं, मोहब्बत कर ली। अच्छा कुछ समय पहले ना लोग मुझे कहते थे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। मैं आज सच बताना चाहता हूँ, मेरी हो नहीं रही थी। मैं क्योंकि लड़की वाले पूछते थे करते क्या हो, मैं कहता बस कॉमेडी करते हैं। वो कहते हैं अच्छी बात है, हंसी मजाक करना चाहिए, काम वगैरह क्या करते हो? क्या करते हो? मैंने कहा यार ये काम ही नहीं समझते थे पहले। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि कवियों की नॉर्मली हो जाती है शादी, कि आपको भी 3 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं? नहीं होता। आपसे बुरी स्थिति होती है हमारी तो। अच्छा जी। हाँ आपके तो फिर भी हो गई। जी हमें क्या क्या करना पड़ा हम जानते हैं। अच्छा जी। मेरी सासू आज तक पूछती है, बोले मैं क्या बताऊं लोगों को आप क्या करते हो। अच्छा अच्छा। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कह दो कवि है। हाँ। बोले मैंने एक दो से कहा भी। अच्छा। वो ऐसे देखते हैं जैसे लड़की कुएं में गिर दी हो मैं। अच्छा प्रदीप जी, आपसे एक सवाल है, ये जो शादी होती है कवियों में भी लव मैरिज होती है? साहब हमारी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। प्रदीप जी की मिसिज भी आई हुई ना यहाँ। हाँ, हाँ, बैठी है। जोरदार तालियां हो जाए उनकी मिसिज के लिए भी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो आज आपकी मिसिज भी सामने बैठी हुई है, एक आध कुछ हो जाए चौबे साहब। बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा सर, गुस्ताखी माफ, लेकिन कई बार जब कोई कवि अपनी कविता पढ़ता है तो हमेशा ऐसे क्यों नहीं कहते कि मैं, भले कि कविता चाहे 4 पेज की हो लेकिन शुरुआत ऐसे करते कि 4 लाइनें मैं पेश करना चाहूंगा। तो सर ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि 4 लाइनें पे? वो चेक करते हैं पहले कि अगर तो 4 पसंद आ गई तो बाकी भी चिपका दूंगा, अगर नहीं पसंद आई तो मैं कविता बदल दूंगा, ऐसे होता है? नहीं, हो सकता है कि उसके पास में 4 लाइनें ही हों, हालांकि 4 लाइनें ही पढ़ना चाहिए। आज के जमाने में लंबी लंबी कविताएं नहीं पढ़ना चाहिए। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी। अच्छा जी। तो सामने बैठा कि VIP चल बसा। ये मैं अर्चना जी के लिए नहीं कह रहा हूँ। बात बहुत अच्छी कहने जा रहा हूँ। हाँ। आपको आगे मजा आएगा। हाँ।
चार लाइनें ही सुनाना चाहिए, जमाना माइक्रो है। अच्छा। लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, जैसा कि मैंने बताया, सामने बैठा एक वीआईपी चल बसा। अच्छा जी। लंबी कविता सुन के वो लंबा ही हो गया। तो उस कवि पे हत्या का मुकदमा चला। तो जज ने कवि से कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, तुमको फांसी होने वाली है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि बोला कि साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है दादा। जज ने कवि को बाइज्जत बरी कर दिया। तो कविता की और शेर व शायरी की इतनी बातें हो रही हैं सर, तो अरुण जी कुछ हो ही जाए। ये जो प्रेम की बात आप कर रहे थे जी, आपने अच्छा किया हरियाणा वाले से नहीं पूछा जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है जी। अच्छा जी। अच्छा। और हमारे यहाँ संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, वो सामान्य बात पे आता है। अच्छा जी। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया। हाँ जी। तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले कुरकुरा कोई ना, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। प्रेम की बात चली है तो जी कविता सुनाता हूँ छोटी सी जी। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। वाह क्या बात है, क्या बात। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। अच्छा जी। भाई 60 साल की उम्र में कहाँ याद रहे। ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना। अच्छा। और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। क्या बात है। हमारे कवि हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल। क्या बात। अरुण जी ने बहुत अच्छा शेर सुनाया। हाँ। दादा का उदय प्रताप सिंह जी का। तो मुझे अपनी एक गजल याद आ गई कपिल जी। जी 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 प्लीज प्लीज। वही शेर के मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो एक गजल सुनाती हूँ। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ। क्या बात। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। अब शेर देखिएगा। आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियाँ। क्या बात है। वाह वाह वाह। लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियाँ। ऐसा होता है जब चिट्ठियाँ हम लिखते थे, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये। अच्छा। तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियाँ। क्या बात है। वाह। नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियाँ। और एक शेर सुनाती हूँ। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं। वाह वाह। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं,
है अभी तक वो कुंवारी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखो ये मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अंजुम की जिंदगी का तजुर्बा, डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग। अच्छा दीपदा, डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियां। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या कहने, क्या कहने। पर कितनी अच्छी बात सुनाई चिट्ठियों के ऊपर। अभी पहले जमाने में चिट्ठी कोई लिखता था तो यही सोचता रहता था कि पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी। सही बात है। अभी आप जितना मर्जी प्यार भरा मैसेज लिख दो, लड़की अगर लड़के को लिख देती है तो वो दो सही के निशान आ जाते ना, इसका मतलब होता है पढ़ लिया। और अगर वो सही के निशान आ गए, रिप्लाई ना आया, 3 मिनट में झगड़ा दोबारा हो जाता है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया, तुम्हारा आया नहीं। कभी नहीं, हाँ झगड़ा ही होता है सर जी। चिट्ठियों में तो और भी समस्या हो जाती थी। कैसे? जो बहुत पत्र लिखता था वो डाकिये के साथ ही भाग जाती थी। हाँ वो जो देने जा रहा है रोज दो दो चिट्ठियां। नहीं देखिए, प्रतिदा हमसे सबसे सीनियर है, दादा का तजुर्बा पूछे तो ज्यादा अच्छा है। जब आप चिट्ठियों वाली बात पढ़ रही थी, चौबे जी मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे, शायद हो सकता है कोई पुरानी चिट्ठी निकलना है जेब से। मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ फटाफट, आइए। सर के लिए बिना मीठे वाली, हरियाणा वालों को तो वैसे ज्यादा मीठा चाहिए कि नहीं चाहिए? चौबे जी पहले पहले ज्यादा पी लिया ना। हाँ शुक्रिया, वाह। यस, इन दिनों मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कपिल जी। जी, माइक्रो कविता है, माइक्रो। अच्छा जी, वही वाह, छोटी छोटी कविताएं हैं। और मैं एक बात कह दूं आपसे, मैं इन सब कवियों से बिल्कुल अलग हूं। ये सब महान कवि हैं, मैं जरा महीन कवि हूं। अब मैं आपको अपनी छोटी छोटी, क्योंकि जब कविताओं का दौर भी शुरू हुआ जी, तो मैं आपको अपनी माइक्रो कविताएं, आप ये मत सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा जी, आप तो ये देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ। क्या बात, स्वागत है, स्वागत है। साली ने जीजा से कहा, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले, जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो। बुरा ना मानो, होली है। बस इस तरह की माइक्रो कविताएं हैं, थोड़ा सा मुझको बोलना है, ज्यादा आपको समझना है। और एक माइक्रो देखिए, समझने की बात है। पढ़ा मैंने किताब में, पढ़ा कि उस सुंदर औरत की, बहुत अच्छा है, उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। क्या सुंदर है, इतनी सुंदर। बस मैं इस तरह की बारीक बातें, इन्हें आप सिर फ्री बातें भी कह सकते हैं, दिल फ्री बात भी कह सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, खो पड़ी है तो आएगा। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। मैंने सोचा कि दूसरी भी ऐसी ही होती तो क्या होता, दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही होती। अरुण जेमनी ने मुझसे एक बड़ा अजीब सवाल पूछा कि भाई साहब, संता और बंता दोनों में आपस में कोई रिलेशन है क्या? अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? बोलिए दोनों हमेशा साथ में मिलते हैं तो जरूर कोई रिलेशन है। मैंने कहा बहुत बड़ा रिलेशन है। बोले क्या है? मैंने कहा बेसन और पकौड़े का है। अच्छा। तो समझा नहीं, बोले क्या मतलब? मैंने कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं संता, तो पकौड़ा कैसे बनता? वाह दादा,
क्या बात है, अगर बेसन नहीं सनता तो पकौड़ा कैसे बनता। बहुत अच्छे भाई साहब, हम लोग उल्टे पुल्टे लोग हैं, उल्टा सवाल किया उल्टा जवाब है। आप चौबे जी चाय प्लीज, गर्म ठंडी तो नहीं होगी, दोबारा मंगाऊं? ठंडी हो गई होगी, हो गई ठंडी, अब तो ठंडी ही होगी, अब टेस्ट करिए, अगर तो ठंडी है तो दोबारा मंगा लेते हैं। थोड़ी देर बात करते हो तो हम दोनों ही ठंडे हो जाते हैं। तो चाय पी ली मैं? आप ठंडी पीती है ना? हाँ पी ली। तो फिर कुछ हो जाए अंजुम जी। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। आप शेर सुनिए, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं। वाह क्या बात है, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। अब ये शेर मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं अर्चना जी को समर्पित करूंगी जी। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। बहुत बहुत बहुत, आप ही गा दो। रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना क्या कहने, वाह। और जिस गजल के लिए मैंने इतने सारे शेर सुनाए, ये शेर सुनाना चाहती हूँ। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, सुना कपिल, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और गजल का आप तशरीफ रखे बैठे, जर्रा नवाजी का शुक्रिया, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा भी साथ में ले जाएं। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, अच्छा जी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, एक गमले में अंजुम क्या बात है, कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। देखो कपिल, आप महसूस नहीं कर रहे, जब मैंने ये कहा कि हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, आपने मेरा नाम क्यों लिया? नहीं नहीं, आप देखो, अब मैं क्या करूं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने गलत? जब मैं ये कह रही हूँ हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, तो सारे के सारे गा रहे हैं। जब मैंने कहा कि रोज मिलना मिलाना, यकीन मानिए आधे लोग खामोश हो गए। क्यों क्यों? रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या कहने, वाह मजा आ गया।
अरुण जी कुछ हो जाए सर मजेदार आपके चाहने वालों के लिए। असल क्या है कि मैं भी खड़ा होकर सुना दूंगा सर जैसा आपको ठीक लगे सर प्लीज। हाँ दरअसल क्या है हरियाणा के लोग बहुत सहज हादसे में जीते हैं। अच्छा जी अभी आपको कुछ दिन पहले की घटना बताता हूँ। मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ तो एक मोटरसाइकिल आई घूमघाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रेम की बात चल रही तो प्रेम की बात कर लूं मैं। जी जी प्लीज। मिलना मिलाना नहीं चाहिए जी। स्वागत स्वागत है। अब हमारा प्रेम का मामला तो बताया है मैंने कैसे, वो मेरा एक दोस्त मिला उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। अच्छा। मैंने कहा होठ कैसे जल गए, बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। यार देखो यहाँ पे यार, ओहो देखो महान कवि आए हैं, शायरा आए, ओ माय गॉड यार, हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया आज यार, मजा आ गया। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, तीन लाइन हम भी पेश करेंगे। वाह वाह। तीन लाइन चार, चार लाइनें होती मतलब? नहीं नहीं तीन मेहमान आए, तीन ही पेश करेंगे, एक आप पे हम वेस्ट क्यों करेंगे। देखिए पेश करते हैं तीन लाइनें आप लोगों के लिए। करें करें बिल्कुल। ये अभी लिखेंगे क्या? अर्ज किया है नहीं। पहली लाइन दूसरी लाइन ये तीसरी। पेश कर दिया आपने। ओए पागल के बच्चे, कोई शेर बोल के कुछ कविता बोल के अर्ज करते हैं ऐसा यार, यू थिंक आई डोंट नो। हमको आता है यार, ये तो हम मजाक कर रहे थे सर, क्या माहौल बनता है मैम आपको पता है, थोड़ा क्या हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, जोक्स बोक। शेर आता है हमें, अर्ज किया है कि लीची को हम आम करते हैं। लीची को हम आम, लीची को हम आम करते हैं, यादव बच्चा आज आपको प्रणाम करता है। हाय हाय यादव बच्चा, बहुत अच्छा भाई वाह। कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई, कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई, आप तीनों को यहाँ देख के हमें बड़ी खुशी हुई है। वाह 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 वाह, क्या लानत है लानत है, शायरी भी शर्मिंदा हो रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और बता बच्चा सब कैसे है? 11 बच्चे एक बीवी 22 भैंसे हैं। बहुत अच्छे। आप बताइए कि भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तेरे बच्चे कैसे हैं? भाई हमारे बच्चे तो अच्छे में हैं, आधे डायपर आधे कच्चे में। कपिल जी जी, इन्हें देख के मुझे प्रदीप भाई साहब की जवानी याद आ रही है। अरे इन्हें लेकिन सुन के हमें नहीं लगता इनकी जवानी कहीं गई भी है। भाई क्या बात, क्या बात है। वाह बच्चा आज तू बड़ा कवि अंदाज में बातें कर रहा है। क्या करें यार, ऐसी शायरा आई हुई हैं, ऐसे कवि आए हुए हैं, आज तो ऐसा हो रहा है कि आज हेलो भी बोल रहे हैं तो प्रणाम निकल रहा है। वाह वाह। हम सर बोल रहे हैं तो महोदय निकल रहा है। क्या बात है। खैर वो अलग बात है कि हम इन्हें मैम कह रहे हैं तो बीड़ू निकल रहा है। वैसे आप लोग क्या लेंगे, चाय या काफिया? काफिया का जवाब। वाह वाह वाह। गुस्ताखी के लिए माफिया। अरे ये यार मिला दिया यार, जो बोल रहा है राइमिंग में निकल रहा है यार, क्या करें, कहीं आज शाम तक हम खुद भी कवि ना बन जाए यार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें ही ना मिल जाए। बच्चा ज्ञानपीठ का मुझे पता नहीं, कोई तेरी पीठ पे ना पुरस्कार दे जाए कहीं। कपूर शर्मा, एक हिंदी में जब सेंटेंस खत्म होता है तो वो एंड में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो लगाइए ना। अंजुम जी
आपकी जो गजल है, चिट्ठियां आपकी, जो चिट्ठियां जो चिट्ठियां चिट्ठियां हमने बहुत पसंद है हमें, तो हम सुना रहे हैं। स्वागत। चिट्ठियां कलाइयां वे, ओ बेबी तेरी चिट्ठियां कलाइयां वे। ए बच्चा, क्या गलत सुना रहा है? हाँ? अरे सो माय, हेलो पौजी, हेलो पौजी, हम बीच में सुना दिया, शुरुआत अलग है। तू लाते मैनू गोल्डन झुमके, तू लाते मैनू गोल्डन झुमके, स्टार्टिंग वो है, वो बिगिनिंग है। बच्चा ये इनकी गजल नहीं है? हाँ। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कोई बात नहीं यार, लेकिन सर क्या है, सच्चाई ये है कि जब से हम प्रदीप जी को देखे हैं, जब से यहाँ पर आए हैं, ये अर्चना जी को ऐसे देख रहे हैं, इनके दिल में यही चल रहा है, चिट्ठियां कलाइयां पे, जो भी मेरी चिट्ठियां कलाइयां पे, चिट्ठियां कला। बच्चा मजाक कर रहे तू? नहीं नहीं सर, देखिए इस बात में सच्चाई है, आप माने या ना माने, आपको भी पता है कप्पू शर्मा। हाँ। मैम आपको बता रहे हैं, 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदीप जी अरुण जी यहाँ पर आए, लेकिन 3 साल से नहीं आ रहे हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि यहाँ पे अर्चना जी आ गई हैं, यस, तुरंत तुरंत दौड़े चले आए। खैर, वैसे आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे। जी पूछे। आप ये जो शेरो शायरी करते हैं, इतना मतलब हमने ज्यादातर देखा है जब शेर पढ़ा जाता है, आप लोग कहते हैं कि मिश्रा पेश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा मिश्रा ही क्यों पेश करते हैं? कभी मतलब पांडे, दुबे, चौबे, चौरसिया, कभी कभी यादव भी पेश कर दिया। हाँ, तूने किए ना 11 यादव पेश, और कितने करने चाहता तू? तो आप भी कीजिए यार, जलते क्यों आए हैं? सही बात है, हिम्मत है तो बराबरी करो दोस्त। ओपन चैलेंज। वैसे आप लोग आए हैं तो हम भी एक शेर पेश करना चाहेंगे। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं। वाह। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं, आंखें बंद होती हैं तो धड़कनें बोलती हैं, धड़कनें बंद होती हैं तो सांसें बोलती हैं। वाह वाह। और जब सांसें बंद होती हैं तो डॉक्टर बोलता है, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। इफ यू डोंट माइंड, एक हमारे पास खौफ रस का शेर है। खौफ रस। ये कौन सा नया रस है भाई? हॉरर जॉनर का खौफ रस शेर। थोड़ा सा डरावना है, प्लीज मेंटेन साइलेंस। अर्ज किया है, वाह, खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था। वाह। खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, सड़क पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। हमारा ना यहाँ पर डेयरी फार्म है, भैंसिया वैसिया है हमारी, तो हमारा बिजनेस चलता है यहाँ पर। तो वैसे होली का मौसम आ रहा है तो हमने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। अच्छा अच्छा। ओहो, बच्चा ठंडाई। सर ये जो ठंडाई है इसे पी के आप बीवी के साथ होली खेल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या नई चीज है? सभी अपनी बीवी के साथ होली खेलते हैं। नहीं, अपनी नहीं यार। हाँ। से पी के आप दूसरों की बीवी के साथ होली खेल सकते हैं। एक जो हिचकिचाहट होती है ना, वो निकल जाती है। बेस्ट प्रोडक्ट। अर्चना जी को दे दो, उनको होली का बड़ा शौक, होली खेलने का। ठंडाई मैं किसकी बीवी के साथ खेलूंगी यार होली? लेकिन अर्चना जी को नहीं यार। क्यों? पिछली बार होली पे हमने जरा सा ऐसा पिचकारी से रंग डाल दिया था, इन्होंने हमारी भैंसिया को उठा के ऐसा दबाया। ऐसा दबाया कि पिछवाड़े से जो रंग निकला है हमें। तो वैसे क्या है कि हमारे 11 बच्चे हैं, सोच रहे हैं वो भी बड़े होके शायद कवि बनेंगे। एक बार आपसे मिलाते हैं। हाँ, आप जरा मुलाकात करके देखिए, अगर कुछ टिप्पणी देना चाहें। अरे नाना जी, जरा बच्चों को ले आइए। वाह 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 वाह, आ जाइए। अरे वाह, क्या बात। और नाना जी कैसे हैं आप? खुशहाल नाना जी हैं इनके।
सच्चाई क्या है सर, इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें छोड़ के ना किसी और से शादी कर ली, तब से ऐसे हो गए हैं बेचारे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अर्चना जी। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। वैसे ये प्यारे बच्चे हैं हमारे सर, ये देखिए, ये है, ये जो है ना, ये बड़ा होके ना ये वीर रस का कवि बनेगा। अच्छा, क्यों? जरा सा भी इसको डांटू ना बहुत जोर का थप्पड़ मारता है। वीर रस का ही बनेगा। नहीं नहीं, अभी 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 तो कहीं कोई डांट नहीं रहा है। ये जो है ये श्रृंगार रस का कवि बनेगा। अच्छा, ऐसे क्यों? नहीं नहीं, इसको आइसक्रीम देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, कुछ नहीं खाता है। लिपस्टिक दे दो पूरी खा जाता है। ये इमरान हाशमी टाइप का है, अपना अपना शौक है। ये जो है ये भंगार रस का कवि बनेगा। भंगार रस कौन सा होता है? नहीं, इसके हाथ में आप कोई भी खिलौना दीजिए, तोड़ ताड़ के यूं उसे भंगार कर देता है। बहुत अच्छे भंगार रस। वैसे ये कर्क राशि का है लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। भंगार रस का कवि बनेगा, और अच्छा, कोई रास्ता है नहीं। इनका आशीर्वाद है तेरे बच्चों के साथ, ले जा बच्चों को। हाँ ले जाएंगे, देखिये कोई जल्दी वाली बात नहीं है। नहीं है सर, हमारे पास ना एक जॉक्स का पिटारा है। क्या बात, देखिए अरुण जी हैं, इन्हें काफी कवि इधर उधर से आते हैं, अपनी कविताएं इन्हें सुनाते हैं, कुछ इन्हें जमती हैं, कुछ नहीं जमती। जब नहीं जमती है तो ये उस आदमी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हारी कविता मुझे जैमी नहीं। जैमी नहीं। प्रदीप जी जो हैं उनकी सारी कविताओं में बहुत गहराई होती है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि इनके नाम में ही डीप है, प्रदीप। वाह भैया, वाह वाह वाह। एक और पेश करते हैं, जब भी किसी चीज को हम ऐसे दूर है चीज उसे ऐसे नजदीक लाके देखते हैं तो उसे जूम कहते हैं। जूम, वापस उसे ऐसे दूर करके नॉर्मल देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंजूम। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ा मजा आया सर, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्या एंजॉय किए। सारे बच्चे हमारे लेके चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। जरूर इन्हें बनाना है लाइफ में, आप कभी बनाएंगे बड़ा। सर थैंक यू। अच्छा चौबी जी, एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहता था मैं, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं कि हास्य कवि होने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा ये है कि तालियां मिलती हैं जी, और नुकसान ये है कि पेमेंट कई बार नहीं मिलता है। ऐसे क्यों मिलता कि नहीं? इसलिए कि तालियों से पेट भर जाता, ऐसा लोग मानते हैं। खैर अब तो हमको मिलने लगा है। अच्छा जी। जैसे कि आप ही देंगे शायद। अच्छा है, नुकसान भी ऐसा नहीं है। अच्छा जी। नुकसान ये कि कोई लड़की सीरियसली नहीं लेती। अच्छा जी। बोले हास्य कवि है, मजाक में ही कह रहा होगा। हाँ, क्या बात है। तो ये नुकसान भी है। हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है। नहीं, कई बार बहुत चैलेंज भी होता है साहब। अच्छा जी। हास्य कवियों के पास में कविता जो होती है सो होती है, पर कलेजा भी होता है। बहुत अच्छा है। कलेजे से काम करना पड़ता है कई बार। जी। कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं बिल्कुल अनइनवाइटेड। अच्छा जी। कि मौके पे अपना जलवा, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब दिखाना पड़ता है। आज तो ये 2.5-3 घंटे का शो है और आप लोग इतना समय होने के बाद में भी टिके हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। वरना कभी कभी तो ये होता है कि जो कमर्शियल कवि सम्मेलन दिल्ली विल्ली में होते हैं उसमें समय बहुत कम होता है। अच्छा जी। एक कवि सम्मेलन हुआ था कपिल जी। अच्छा जी। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में। अच्छा जी। फिक्की में बड़ा चैलेंज था, 50 कवि मंच पर थे। अच्छा जी। और सिर्फ आधे घंटे का टाइम। ओहो, अच्छा। ओ, एक एक मिनट भी नहीं। सिर्फ आधे घंटे, एक मिनट में 2.5 कवियों को पढ़ना था। नामुमकिन। नहीं, संयोजक ने कह दिया था कि खबरदार, अगर आधे घंटे से ज्यादा कोई कवि दिखा तो कपड़े उतार लिए जाएंगे। अरुण जेमनी को संचालन दे दिया। इससे भी कह दिया कि देखो भाई, इशारों से बात करना है, बोलना नहीं है। तो इसने बेचारे ने इशारे से काम किया। जो कवि का नंबर आए, एक आध दो के लिए बोला भी, समय कम है, समय कम है, ध्यान रखना समय कम है।
तो बहुत से कवि तो ऐसे थे कि माइक पर आए कविता समाप्त। बहुत अच्छे दादा, बहुत अच्छे। अब मेरे सामने चैलेंज, मैं तो बिना बोले रह नहीं सकता। तुम्हारा कैसे काम करें? तो अरुण जेमनी ने बोला कि भाई साहब समय बहुत कम है, बस मैंने फायदा उठाया, चैलेंज जो मैं कह रहा प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने इस्तेमाल किया, आपकी तालियां शायद मिले। मैंने कहा कि दोस्तों समय बहुत कम है, समय इतना कम है कि ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है। वाह क्या बात है, क्या बात है। बस आप तो दिमाग से काम ले लें तो फिर समय क्या कम है, तालियां बहुत हैं। अच्छा अंजुम जी, कोई ये कह रहा था कि जब तक इंसान को उसका सच्चा प्यार ना मिल जाए उसको कोशिश करती रहनी चाहिए, तो ऐसे ही जानना चाहते हैं, बिकॉज आपने इतना सारा मोहब्बत के ऊपर लिखा है जी, कि इंसान को लाइफ में कितनी बार प्यार हो सकता है, जरूरी है कि एक ही बार हो? प्यार तो एक बार होता है, बेशक एक बार होता है। अच्छा जी। वो अलग चीज है कि प्यार व्यार होता रहे, बेवकूफ बना दे कोई तो अलग चीज है। पर यहाँ पे अब क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रहों में पैदा हुए हैं, राशियां अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, तो मैं आप सबसे भी जानना चाहता हूँ, इनकी भी राय ले लेते हैं। जी जी, ले लीजिए। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है कि दो बार भी हो सकता है, या जैसे मुझे हर शनिवार हो जाता है? जी भाई साहब। कपिल जी जय हिंद, अर्चना जी जय हिंद। जय हिंद। वो प्यार ही क्या जो बार बार हो। वाह, प्यार तो जिंदगी में एक ही बार होता। अच्छा, मुझे लगा शेर शुरू करने लगा, प्यार ही क्या जो बार बार। अच्छा बात कर रहे थे, आगे काफी मिलेगा। अच्छा, अच्छा प्यार तो जिंदगी में एक ही बार होता है, उस प्यार को कितना भुलाने की कोशिश करो जी, वो कभी भूलता नहीं है। आप किसके साथ आए यहाँ पे? अभी मेरे मिसेस के साथ आया हूँ। तो ये बातें वही कर सकता है जो इंसान ना। बिल्कुल। आप ये बोल रहे हैं कि आपसे बुलवाया जा रहा है? ये मेरा प्यार है जो बोल रहा है। आपकी लव मैरिज हुई है? लव मैरिज हुई है। अच्छा जी, तो कहाँ आपकी वाइफ? अच्छा, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बड़े अच्छे पति मिले आपको, तो आपको कब हुआ था आपकी पत्नी से प्यार? अभी इसका प्यार है जो मेरी भावनाओं को समझती है। ओहो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव है कोई। कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर 13 साल हो गए अभी। 13 साल हो गए। तो आपकी, मैं धर्म पत्नी जी के विचार जानना चाहता हूँ। मैम आपका भी यही कहना है? नहीं, एक ही बार होता है प्यार, एक्चुअली ये किसी और से प्यार करते थे। लग रहा था मुझे। लो जी, ये किसी और से करते थे। अच्छा, तो फिर आपने कैसे ऐसे झपटा मारा? नहीं, एक्चुअली मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, तो इनका ब्रेकअप हो गया तो मैंने बोला बहुत लड़कियां पड़ी है, एक के चक्कर में मत पड़ो। भाई साहब, मौका है वारदात पे, वो कह रही हैं आपको खुद दूसरी बार हुआ है। पकड़े गए। या तो इनको दूसरी बार हुआ है, या फिर ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि एक ही बार होता है, आपके साथ तो जबरदस्ती शादी हुई, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, ये बात मैडम पकड़िए, आपके पास मौका है, अभी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्यार तो एक ही बार होता है, बट ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक ही प्यार के पीछे पूरी लाइफ मत खराब करो। ये भी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। प्यार एक ही बार नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग से तो बच्चे खैर नहीं होते, पर पर आप है यार बड़े प्यारे हैं, मतलब थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक बात और कहना चाहता था। जी सर, मौका है आपके पास, आज बोलिए, माइक है आपके हाथ में। मेरी बीवी हमेशा मुझे टोट मारा करती थी, देखना एक दिन मैं कपिल शर्मा के साथ बैठ के कॉफी पीऊंगी और तुम देखते रह जाओगे, तो आज मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। ओहो, वो आपके साथ बैठे, वहाँ कॉफी तो नहीं है, कम से कम मिठाई है, एक मिठाई खिला दीजिए उसकी। मैं मिठाई आपको खिला देता हूँ। जो आपका मन करे आप खा सकते हैं, ये लीजिए, इतनी सी मिठाई, कहाँ मॉडलिंग करनी है आपने, खाओगे? ये ले बेटा। अरे क्या नाम? सोच। ओह लव यू मेरा बेबी। हाय रब्बा। इधर आओ, आप भी आ जाओ। दोनों बच्चे क्या बोल रहे हैं, माइक दोज रहे हैं इनको, कहाँ है माइक? माइक पकड़ो, इन्होंने क्या लिखवा गया है? लव यू कपिल, सो स्वीट। आई लव यू कपिल। आई लव यू टू बेटा। कहाँ से आए आप? इंदौर। इंदौर से आए हो? चश्मा किसने दिया आपको? पापा। पापा ने क्यों नहीं लिखा हुआ लव यू कपिल, उन्होंने सिर्फ कपिल लिखा हुआ है। लव यू मम्मी को करते हैं। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। स्कूल नहीं गए आपको, छुट्टियां? हाँ। किस बात की?
एग्जाम हो गई है। एग्जाम। अरे वाह, आपने अपना नाम तो बताया नहीं, आप कितने प्यारे लग रहे हो। आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है? छोटी। कितनी छोटी आपसे? 1 ईयर्स। बड़े प्यारे लग रहे हो आप दोनों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा। ऐसी टी शर्ट मेरे को भी दे दोगे एक? मेरा भी कोई होएगा तो पहनाऊंगा उसको। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत प्यारे हो आप, धन्यवाद आपका। आ जा बेटा, चलो माइक दे दो भाई साहब को। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत पेट है आपका। सर पेट के ऊपर देखिए सर, पेट को मत देखिए। अरे मैं दिल ही देखा सर, पहले सर दिल पे आपका नाम लिखा सर। आई लव यू सर। लव यू सर, लव यू। दो बच्चे आपके सर? एक बच्चा, बच्ची मेरी है। अच्छा, बच्ची आपकी है? मेरी बहन के बच्चा है। अच्छा, बहन का बच्चा। तो आपके पति नहीं है सर? आए हैं। अच्छा जी, अपने साथ साथ बैठा करो यार, क्या करते हो? मुझे समझ में नहीं आता, इतनी प्यारी बीवी छोड़ के जमनलाल जी के साथ बैठे हुए। पर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंदौर वालों का। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो और कोई है हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं? जी मैडम, नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। सर मुझे लगता है कि प्यार बार बार हो सकता है। यस यस। अंजुम जी। हाँ अंजुम जी, आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। एक्चुअली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। आपसे पूछते थे ना आपकी मम्मी से कि लड़का क्या करता है। हाँ जी। तो कॉमेडी करता है, तो कॉमेडी तो ठीक है, और क्या करता है? वैसे ही मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। तो मेरे मम्मी पापा को भी यही बोलते हैं अर्चना जी कि वॉइस आर्टिस्ट है, वो तो ठीक है शौक के लिए कर लेती है, पर वैसे क्या करती है? एक्चुअली कभी काम ही नहीं समझते हमारे काम को यार, मजाक। हाँ। आप कुछ बताओ ना करके। मैं जैसे एनिमेशन होता है, कार्टून्स होते हैं जी, उनमें मैं आवाजें देती हूँ। अच्छा जी। जैसे हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन, नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या बात है। एक और बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है सर, छोटा भीम। हाँ। वो भी मैं ही डब करती हूँ। अच्छा। दोस्तों मैं ढोलकपुर से आया हूँ, और ये जो लड्डू अभी कपिल भैया ने आपको दिए है ना, ये मैं लेकर आया हूँ ढोलकपुर से। क्या बात है। क्या नाम बताया आपने? अपना नाम ही नहीं बताया अभी। सर मेरा नाम सोनल है। सोनल कौशल। सोनल कौशल। कौशल कौशल कौन है तू साथ में? मम्मी पापा। अच्छा। तो कहाँ से है सोनल आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी। और मम्मी पापा भी स्पेशली आपका शो देखने के लिए मुंबई आए हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सोनल के मम्मी पापा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बच्ची बहुत टैलेंटेड है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। शो और इस तरफ भी है जी। मैडम भैया मेरे को। हेलो मैम। हेलो जी, क्या हाल है? आप सभी को हेलो। मेरा सवाल है अंजुम दीदी से। अच्छा जी, प्लीज। मैं बहन हूँ वैसे उनकी, लेकिन अच्छा। सवाल मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि घर पे हिम्मत ही नहीं हुई वो सवाल। अच्छा, आप रियल सिस्टर हैं? अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मैं ये बोलती हूँ कि ये मोहब्बत की शायरी करती हैं, मोहब्बत भी की इन्होंने, लेकिन ये हमको क्यों सलाह देती है, मशवरा देती है कि आप लोग मोहब्बत करो? बताइए जी। क्योंकि मैं घर में पूछती तो बहुत खतरे में आ जाती है, आप सबके सामने पूछ रही हूँ तो बचा। बहुत अच्छा किया, खुद तो लड्डू खा लिए, बाकी कहते शुक्र हो जाएंगे। बताना चाहिए। बता। देखिए ये तो बिल्कुल घर की तरह मुझसे लड़ रही है, बताओ क्या बताऊं। अब तो मैं क्या बहुत सुना दिया के होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। वाह। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। वाकई मैं अपना जो मैंने तुमसे कहा समझाइश दी वो वापस लेती हूँ। ओ होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ढेर सारी दुआएं, खूब मोहब्बत करो, खुद भी बर्बाद हो जाओ, सामने वाले को भी कर दो। अच्छी सलाह दी आप। तो एक बार तो हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए।